हल्क की पावर्स को हम मार्वल की कई मूवीज में देख चुके हैं, लेकिन मार्वल मूवीज का ये हल्क भले ही कितना पावरफुल क्यों ना हो, पर कॉमिक्स के हल्क के वर्जन के सामने ये कुछ भी नहीं है। जब कॉमिक्स के हल्क के इन अलग अलग वर्जन को गुस्सा आता है तो ये अपने एक अलग ही रूप धारण कर लेता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको मार्वल के उन 10 सबसे पावरफुल हल्क के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें हरा पाना बहुत ही मुश्किल है। प्रोफेसर हल्क दूसरे मेन हल्क से बिल्कुल अलग है। एक तरफ जहाँ मेन हल्क को जब गुस्सा आता है तो उसकी पावर्स बढ़ जाती है, तो वही प्रोफेसर हल्क के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। गुस्सा आने पर भी प्रोफेसर हल्क शांति रहता है। कॉमिक्स में प्रोफेसर हल्क का ओरिजिन द इनक्रेडिबल हल्क से हुआ था, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि किस तरह जब ग्रीन एंड ग्रे दोनों हल्क ब्रूस बैनर की बॉडी पर हावी होना चाहते थे, तब उसका फ्रेंड डॉक्टर सैमसन उसे हिप्नोटाइज करके उसके माइंड में चेंजेस करने लगता है। लेकिन इस लड़ाई में दोनों हल्क की ही जीत होती है और फिर ग्रे हल्क, ग्रीन हल्क और ब्रूस बैनर तीनों मर्ज हो जाते हैं। और इसके बाद जो नया हल्क बनता है उसमें ब्रूस बैनर की इंटेलिजेंस और हल्क की पावर दोनों ही होती है, इसीलिए उसे प्रोफेसर हल्क कहा जाता है। हालांकि एमसीयू में प्रोफेसर हल्क का ओरिजिन अलग तरह से दिखाया जाता है, इसीलिए वहां पर उसे स्मार्ट हल्क के नाम से जाना जाता है। टोटली ऑसम हल्क, ये हल्क नॉर्मल हल्क जितना ही पावरफुल है और इसके पास हल्क की सारी एबिलिटीज भी है, लेकिन ये ब्रूस बैनर का हल्क नहीं है, बल्कि ब्रूस बैनर का फ्रेंड अमेडियस शो है, जिसने एक बार अपने दोस्त ब्रूस बैनर के हल्क की सारी पावर्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली थी। अमेडियस शो की इस हल्क को मार्वल का सबसे स्मार्ट हल्क माना जाता है। हालांकि ये ब्रूस बैनर के हल्क के जितना पावरफुल ही है, लेकिन फिर भी ये उससे कई ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसके ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा कंट्रोल इसी के हाथ में होता है। और ये जब हल्क बन जाता है तब भी इसमें उतनी ही इंटेलिजेंस रहती है जितने इसके ह्यूमन फॉर्म में होता है। शी हल्क यानी कि जेनिफर वॉल्टर्स ब्रूस बैनर की कजन है और पेशे से वो एक लॉयर है। कॉमिक्स में इसकी ओरिजिन के बारे में ये बताया जाता है कि जब एक बार जेनिफर अपने कजन ब्रूस के साथ घर जा रही होती है तो रास्ते में उनकी कुछ गुंडों के साथ लड़ाई हो जाती है, और इस लड़ाई में एक गुंडा जेनिफर को गोली मार देता है, जिस कारण जेनिफर की हालत काफी खराब हो जाती है। और उसके बाद जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहाँ पर उसे खून की जरूरत पड़ती है, लेकिन हॉस्पिटल के पास इमरजेंसी में खून अवेलेबल नहीं था, इसीलिए ब्रूस को अपना खून जेनिफर को देना पड़ता है। और क्योंकि ब्रूस के खून में गामा रेडिएशन था, इसीलिए जब वो खून जेनिफर को चढ़ा गया तो जेनिफर के खून में भी रेडिएशन आ गया, जिस कारण वो भी हल्क में बदल गई। इसके बाद जेनिफर को शी हल्क के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि शी हल्क ब्रूस बैनर की हल्क जितनी पावरफुल नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी इंटेलिजेंस के कारण वो बहुत ज्यादा डेंजरस बन जाती है। इसी तरह जहाँ ब्रूस बैनर के अपने ट्रांसफॉर्मेशन पर पूरा कंट्रोल नहीं होता, वही शी हल्क का अपने ट्रांसफॉर्मेशन पर पूरा कंट्रोल है। एमसीयू में जब डॉक्टर ब्रूस बैनर को गुस्सा आता है तो वो हल्क में बदल जाता है और बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। उनकी इन पावर्स को हम कई जगह पर देख सकते हैं। एमसीयू की इस हल्क ने सकार प्लैनेट पर थॉर को हराया था, एवेंजर्स के साथ मिलकर चिटोरी आर्मी से फाइट भी की और इन्फिनिटी वॉर में थैनोस का मुकाबला भी किया था, जो दिखाता है कि एमसीयू का ये हल्क भी किसी से कम नहीं है। रेड हल्क जनरल थर्डियस रॉस का ही हल्क फॉर्म है। थंडरबोल्ट रॉस हल्क को पसंद नहीं करता, इसीलिए रॉस ने उसका मुकाबला करने के लिए खुद पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए और इस एक्सपेरिमेंट के बदौलत वो रेड हल्क में बदल गया। रेड हल्क हल्क से भी ज्यादा खतरनाक है। जब भी रेड हल्क की फाइट हल्क से होती है तो वो उसकी सारी गामा रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस कारण हल्क वापस से एक नॉर्मल ह्यूमन में बदल जाता है, जिसका मतलब है कि रेड हल्क रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसके अलावा रेड हल्क के पास हल्क की सारी पावर्स और भी है, जिस कारण ये बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाता है। लेकिन रेड हल्क की कमजोरी भी है, जब रेड हल्क को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो उसकी बॉडी से एक्सेसिव हीट निकलने लगती है और फिर ये हीट रेड हल्क को ही जला देती है, जिस कारण वो काफी कमजोर हो जाता है और उसे हराना काफी आसान हो जाता है। मैस्ट्रो हल्क वैसे तो ब्रूस बैनर का ही हल्क है, लेकिन ये फ्यूचर से बिलोंग करता है। मैस्ट्रो प्रेजेंट टाइमलाइन से 100 साल आगे का हल्क है, जब न्यूक्लियर वॉर के कारण पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। और क्योंकि हल्क बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो रेडिएशन से इम्यून भी है, इसीलिए इस वॉर में वो ना सिर्फ सरवाइव कर जाता है बल्कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी बन जाता है। मैस्ट्रो स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और बाकी सभी फैक्टर्स में प्रेजेंट टाइमलाइन के हल्क से बहुत ही ज्यादा आगे है। हालांकि न्यूक्लियर वॉर के बाद जब मैस्ट्रो का दिमाग खराब हो जाता है और वो काफी क्रेजी हो जाता है, जिस कारण वो जब भी किसी से फाइट करता है तो उसे बड़ी ही क्रुएलिटी से खत्म कर देता है। मैस्ट्रो इतना पावरफुल है कि वो पूरी दुनिया को रूल करता है। डेविल हल्क ब्रूस बैनर का ही एक पर्सोना है। ये पर्सोना उसके अंदर बचपन से ही था, लेकिन जब आगे चलकर ब्रूस बैनर एक गामा बॉम्ब से एक्सपोज होता है तो उसका ये पर्सोना बाहर आ जाता है। डेविल हल्क की बॉडी पर एक नेचुरल आर्मर है, जिस कारण वो मेन हल्क से भी ज्यादा पावरफुल है। डेविल हल्क दिखने में काफी खतरनाक है और फिजिकली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है।
वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के बारे में कहा जाता है कि जब इल्यूमिनाटी को लगता है कि हल्क धरती के लिए खतरा बन रहा है तो वो उसे सकार प्लैनेट पर भेज देते हैं, जहां पर जाकर हल्क इतना पावरफुल हो जाता है कि हल्क वहां का मेन वॉरियर बन जाता है और फिर वहां पर शादी करके शांति से रहने लगता है। फिर एक दिन वो जिस स्पेसशिप से वहां पर पहुंचा था उसमें एक ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में उसकी पत्नी भी मर जाती है, जिसका उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो इन सबका जिम्मेदार इल्यूमिनाटी को मानता है, जिस कारण वो इल्यूमिनाटी को खत्म करने के लिए वापस धरती पर आ जाते हैं। और इस समय तक वो इतना पावरफुल हो चुका था कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, इसीलिए इस हल्क को हराने के लिए सेंट्री को बुलाया गया। सेंट्री भी मार्वल के सबसे पावरफुल कैरेक्टर में से एक है। इन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट हुई और आखिर में सेंट्री इस लड़ाई को जीत जाता है। क्ला हल्क का एक पर्सोना है। जब हम हल्क के अल्फाबेट्स को उल्टा करते हैं तो क्ला बनता है। क्ला को हम हल्क का हल्क मान सकते हैं, यानी कि जैसे जब ब्रूस बैनर को गुस्सा आता है तो हल्क में बदलता है, ठीक उसी तरह जब हल्क डिप्रेस्ड या सैड होता है तो क्ला में बदल जाता है। क्ला मेन टाइमलाइन के हल्क से बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये एक अच्छा कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि जब हल्क क्ला में बदलता है तो वो काफी डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। अपने शुरुआती दिनों में उसने कई बड़े बड़े शहरों को भी तबाह कर दिया था। कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क, ये हल्क ब्रूस बैनर की मौत और हल्क के रीबर्थ का रिजल्ट होता है। जब सिविल वॉर सेकंड में ब्रूस बैनर की डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी पर हल्क का पर्सोना डोमिनेट करने लगता है और फिर ये हल्क इविल हल्क में बदल जाता है। फिर जब कई बिलियन सालों बाद पूरे यूनिवर्स का और इसमें रहने वाली सभी क्रिएचर्स का खात्मा हो जाता है, तब सिर्फ कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क ही पीछे बचता है। अब जब यूनिवर्स में सब कुछ खत्म हो चुका था तो यहाँ पर एक एनर्जी विजिबल होती है जिसका नाम था सेंटिनेंस ऑफ द कॉस्मोस। इस एनर्जी का काम यही था कि यूनिवर्स के आखिरी बचे क्रिएचर्स के साथ मिलकर यूनिवर्स को दोबारा क्रिएट करती है। लेकिन जब ये सेंटिनेंस ऑफ द कॉस्मोस हल्क के साथ मिलकर नए यूनिवर्स को क्रिएट करने की कोशिश करता है तो इस दौरान हल्क इसे खा जाता है, जिससे ये दोनों आपस में मर्ज हो जाता है और फिर इससे नए यूनिवर्स का क्रिएशन होता है। बात अगर इस हल्क के पावर्स की करे तो इसके पास कॉस्मिक पावर्स भी है, जिनके दम पर ये सिर्फ अपने एक अटैक से ही पूरे के पूरे प्लेनेट को खत्म कर सकता है। तो दोस्तों, इन सभी हल्क में से आपको कौन सा हल्क सबसे अच्छा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।